डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 7.5 यानी कि इंटीग्रेशन चैप्टर को पढ़ रहे थे। 7.5 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कैसे करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सवाल है इंटीग्रेशन x² + 1 x² + 2 डिवाइडेड बाई x² + 3 x² + 4 इंटू में dx। यहाँ पे हम अपने तरीके से लगा दिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसको और एक तरीका लिख सकते हैं, ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x² और x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो x^4, x² 2 के साथ 2x² और x² को 1 के साथ तो कुल मिलाकर 3x² हो जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे 2, यानी इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा x^4 3+3x² + 2, ठीक है। और नीचे वाले को मल्टीप्लाई नहीं करना है, नीचे वालों को वैसे ही छोड़ देना है, यानी x² + 3 और x² + 4 इंटू में dx, ठीक है। उसके बाद दोस्त यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, क्या पुट करेंगे, x^4 + 3x² + 2 डिवाइडेड बाई x² + 3 और x² + 4, ठीक है। हम लोग नीचे वाले को देखकर हम लोग इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक के नीचे भी द्विघात समीकरण है और दोनों द्विघात समीकरण है, तो इसको तोड़ेंगे ax + b / x² + 3 और + इसके लिए भी हम तोड़ेंगे cx + d। चूँकि द्विघात समीकरण है इसलिए ax + b या cx + d तोड़ते हैं, x² + 4। लेफ्ट साइड में क्या है, तो x^4 + 3x² + 2 है ना, ऐसे है x^4 + 3x² + 2 / x² + 4। यहाँ पे भी राइट साइड में हम एलसीएम लेंगे तो x² + 3 और x² + 4 होगा। ax + b था उसके नीचे तो x² + 3 है, तो x² + 3 से x² + 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ बच क्या रहा है, x² + 4, ठीक है। अच्छा, फिर अगर बात किया जाए तो हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे, और x² + 4 है तो x² + 4 से कटेगा तो x² + 3 बचेगा, और यहाँ बचेगा cx + d, ठीक है, और +x² + 3, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोगों को कुछ इस तरीके के कंडीशन मिल रहा है। अच्छा, फिर अगर नीचे वाला कैंसिल आउट हो रहा है, नीचे वाला कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे बच क्या रहा है, x^4 + 3x² + 2 ax को x² के साथ करेंगे तो ax³ मिलेगा, ax को 4 के साथ तो बनेगा 4ax, 4 को b के साथ बनेगा 4b। उसी तरीके से cx को x² के साथ करेंगे क्या बनेगा, cx³, cx को 3 के साथ करेंगे 3cx होगा, और d को x² के साथ, सॉरी यहाँ पे हम लोग मिस्टेक किए हैं, ax को 4 के साथ 4ax, फिर b को 4 के साथ 4b, और b को x² से नहीं किए हैं, bx², ये छूट रहा था। यहाँ पे तो हम लोग 3cx हो गया, cx हो गया, d को x² के साथ dx² और d को 3 के साथ 3d। अब उसके बाद हम आपको बताए हैं कि दोनों तरफ देखना है, यहाँ पे तो x^4 है, क्या यहाँ पे x^4 है, नहीं है, तो x^4 इधर है 1,
इधर एक्स के पावर फोर कोई नहीं है, इट मीन्स कि अगर हम इसको एक्स, एक मिनट, एक्स प्लस बी है और एक्स के पावर फोर का गुणांक तो यहाँ पे वन है और यहाँ पे इधर राइट साइड में कोई एक्स के पावर फोर है ही नहीं ना, तो हम लोग तो इधर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि जीरो है ना, एक्स के पावर फोर का गुणांक इधर हो गया वन, ठीक है, और इधर कुछ नहीं है, इधर तो एक्स के पावर फोर वाला कोई आया ही नहीं है ना, तो जब कोई नहीं आया है तो हम यहाँ पे जीरो कर दिए। अच्छा इधर एक्स क्यू वाला देखिए, एक्स क्यू वाला कौन है, एक्स क्यू वाला ए है और एक्स क्यू वाला सी है, तो ए प्लस सी, इधर भी तो एक्स क्यू को एक भी नहीं है, जीरो। अच्छा इधर एक्स स्क्वायर पे आते हैं तो थ्री है, इधर एक्स स्क्वायर कौन कौन सा है, तो एक्स स्क्वायर बी है, ठीक है, और फिर डी है, तो बी प्लस डी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो इधर एक्स का कौन कौन सा है, एक्स स्क्वायर तक की एक्स के पावर फोर वाला देखें, एक्स के पावर थ्री वाला, एक्स के पावर टू वाला, खाली एक्स वाला, तो इधर तो खाली एक्स वाला एक भी नहीं है, इसका मतलब जीरो। इधर एक्स वाला कौन है, तो फोर ए है और थ्री सी है एक्स के साथ, तो यहाँ हो जाएगा फोर ए प्लस थ्री सी। नेक्स्ट बात करें तो इधर बिना एक्स वाला टू है, इसमें एक कोई एक्स नहीं है, और इधर बिना एक्स वाला कौन सा है, तो फोर बी और थ्री डी, 4b+3d। अब क्या करना है, a तो कभी भी हो नहीं सकता है क्योंकि 1 और 0 बराबर है, कभी होता ही नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, हम लोगों को चार समीकरण है, 1 2 3 4, इस चारों समीकरण का यूज करके आपको a b c d का मान निकालना है। अब आप यहाँ से कुछ दिमाग लगाएंगे कि आखिर कैसे निकाल पाएंगे हम लोग, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो समीकरण 2 और 4 से चला जाए, तो 2 एंड 4 से चलिएगा तो 2 में कौन सा है, तो बी प्लस डी बराबर में 3, और 4 में कौन सा है, 4b+3d बराबर 2, तो इसको बी बी को कटाना चाहते हैं तो 4 से इसको गुना कर दीजिए, तो 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4b, ये हो जाएगा 4d और ये हो जाएगा 12, है ना, यानी कि इस समीकरण 2 था हम लोगों का और इस समीकरण 4 है, ठीक है, तो 2 और 4 से चलेंगे तो 2 वाला में कितना से गुना करेंगे, 4 से, तो ये हो जाएगा 4b, 4d, 4 3 12, तो यहाँ साइन चेंज करेंगे सबके तो 4b तो कट जाएगा और 4b में से, 4d में से 3d घटेगा तो खाली d बराबर 4 3 12, अब 12 में से 2 गया तो d का मान कितना आ गया, 10, तो जब d का मान 10 आ गया तो b का मान कितना होगा, है ना, तो जब d का मान अगर हमको पता है कि 10 हो गया तो b का मान कितना होना चाहिए, तो b प्लस d का वैल्यू 3 होना चाहिए, तो d की जगह पे रखेंगे 10, ठीक है, तो यहाँ पे 10 रखेंगे तो एक्चुअली हम लोगों को मिलेगा क्या, तो डी का वैल्यू 10 रखेंगे तो बी का वैल्यू निकाल लेंगे, बी का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस 10, यानी कि बी का वैल्यू हो जाएगा -7, ठीक है, और उसी तरीके से एक और किससे, तो 3 से ए और सी का मान निकल जाएगा, ठीक है, ए और सी का मान निकल जाएगा, जैसे हम अभी निकाले हैं 2 और 4 से बी और डी का मान निकल गया, बी का वैल्यू -7 और डी का वैल्यू 10, उसी तरीके से अब समीकरण कितना कितना, तो 1 और 3 चलते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है, तो ए प्लस सी में इक्वल टू 0, ठीक है, और थर्ड क्या है, तो 4a+3c, 4a+3c इक्वल 0। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग कटाने के लिए इसको 4 से गुना कर दीजिए और साइन जो है चेंज कर दीजिए, तो 4 को a से गुना करेंगे 4a, और 4a में से 4a गया तो ख़त्म, 4 को c से गुना करेंगे 4c, 4c में 3c गया तो a को खाली c, और 0 में से 0 गया तो 0,
है ना। तो सी का मान कितना आया, जीरो। तो बी का ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो। यानी कि ए का मान जीरो, इसलिए हम लिख सकते हैं कि देख लो भाई, ए जीरो आया, बी आया -7, सी आया जीरो और डी आया 10। सब के मान निकाल लिए। अब जब सब का मान निकल गया तो अगेन आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कौन सी के करना है, तो इंटीग्रेशन करना है इतना का, और इसी को हम दो पार्ट में तोड़े हैं। तो इंटीग्रेशन का सवाल था एक्स के पावर 4 3x² + 2x² + 3x² + 4 इंटू में डी एक्स। अब इसी को दो पार्ट में तोड़े हैं हम लोग, ए एक्स प्लस बी बट्टा में x² + 3 + cx + d / x² + 4 और पूरा का डी एक्स। भाई ए के जगह पे कितना रखना है, जीरो, और बी के जगह पे कितना रखना है, -7। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन, ए वाला तो ऐसा मामला खत्म हो जाएगा क्योंकि जीरो रखना है, ए के जगह पे जीरो रखेंगे तो खत्म। बी के जगह पे -7 बटा x² + 3 × dx, ठीक है, प्लस। अब इसके साथ भी इंटीग्रेशन को तोड़ेंगे तो सी हो गया हम लोगों को जीरो, तो डी के वैल्यू 10 बटे में x² + 4 × dx, सॉरी। हाँ तो हम लोग यहाँ पे चल रहे थे कि b का वैल्यू -7, x² + 3 और प्लस cx + d, तो c का वैल्यू तो 0, d का वैल्यू 10। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, पहला वाले -7 को अगर दोस्त बाहर निकाल लेंगे -7 को, तो यहाँ बच रहा होगा 1/x² + √3 कर सकते हैं × dx, प्लस उसी तरीके से 10 को बाहर निकालेंगे तो x² + 2² × dx। फार्मूला एक ठो हम आपको बताए होंगे पिछले चैप्टर में कि 1/x² + a² का फार्मूला होता है 1/a tan inverse x/a, ठीक है, नहीं tan inverse a, ठीक है, ऐसा होता है, tan inverse x होता है, सॉरी x/a होता है, सही बोल रहे, tan inverse x/a, ठीक है। तो 1/a tan inverse x/a, एक्चुअली हम लोग बात करें तो -7 तो पहले से ही है और x² + √3 है, तो x² + a के जगह पे √3, तो यहाँ फार्मूला 1/a है, तो 1/√3 रख देंगे × tan inverse x/√3 प्लस 10 तो 10 है। अब इसका फार्मूला a के जगह पे 2 है तो × 1/2, ठीक है, और tan inverse x/2 + c, और 2 से ये कट भी सकता है 5 बार में, तो यहाँ कुल मिलाकर आंसर आ जाएगा −7/√3 × tan inverse x/√3 + 5 tan inverse x/2 + c। जरा अब आंसर देख लेते हैं कि क्या हम लोगों को बनाया हुआ 18 नंबर क्वेश्चन करेक्ट है या फिर उसमें कहीं भी प्रॉब्लम है। तो अभी हम लोग चल रहे थे एक्सरसाइज 7.5 में, तो 7.5 का क्वेश्चन नंबर हम लोगों को 18 है, 18 18, यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन का आंसर है कुछ इस तरीके से, 2/3 tan inverse x/3 - 3 tan inverse x/2, यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, देखना पड़ेगा क्योंकि आंसर में कुछ और है या फिर दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये क्वेश्चन था, ठीक है, x² + 1 x² + 2, तो देख पा रहे हैं हम लोगों का तो करेक्ट है, इसको मल्टीप्लाई किया इतना और फिर हम लोगों को मिला है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ भी हम लोगों ने सही किया, ए बी सी डी का वैल्यू निकाला, ठीक है, उसके बाद इसको तोड़ दिया। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है।
पता है ये हम लोगों का जो आंसर आया है ना, -7/√3 tan√3 +5 tan√2 +c, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन अब रहा बात कि सर हम लोगों का आंसर मैच क्यों नहीं कर रहे, तो देखिए जो आंसर आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन के लिए 18 जो नंबर में क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर में प्लस वन, एक्स स्क्वायर में प्लस कितना था, टू, हाँ, एक्स स्क्वायर में +3, एक्स स्क्वायर में +4। पता है ये क्वेश्चन का बनाने का तरीका जो है हम लोगों को दो दो मेथड से भी बन सकता है। ये जो बनाया है ना, सबसे पहले ऊपर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर को मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स के पावर 4 +3x² + 2 आया, और नीचे वाला को जब किया तो इसको आया एक्स के पावर 4 +7x² + 12 इंटू डी एक्स। अब क्या किया, दोनों का पावर जो है सेम है, इसलिए जो है इसको भागा कर दिया। अगर भाग करके बनाएंगे तब ये बुक का आंसर जो है मैच करेगा, यानी कि इतना को आप एक्स के पावर 4 +7x² + 12 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 से लगाएंगे तो एक्स के पावर 4 +7x² + 12, और ये भी कटेगा और ये कटेगा तो कितना आएगा, माइनस में 4x² -10, ठीक है। तो ये हम लोगों को आ रहा है, तो यहाँ पे हो गया शेषफल -4x² और -10, ठीक है। तो कुल मिलाकर अब ऊपर वाला जो है जिसमें डिवाइड किए हैं, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला को हम तोड़ दिए कि भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी कि एक्स के पावर 4 +3x² + 2 को हम लिख सकते हैं भाजक गुने भागफल, इसको एक से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, यानी एक्स के पावर 4 +7x² + 12, ठीक है, और प्लस इसको इतना लिख सकते हैं -4x² - 10, ठीक है, इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसके जगह पे ये रख देंगे, यानी कि नाउ अब हो क्या गया, तो ऊपर था x के पावर 4 + 3x² + 2, इसके जगह पे आप रख दीजिए एक्स के पावर 4 7x² + 12 और प्लस -4x² - 10 और पूरा के बट्टा एक्स के पावर 4 +7x² + 12, इसको अब dx। अब इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे तो एक वो पार्ट हो जाएगा इतना बटा इतना, यानी कि इतना से इतना तो पूरा कट जाएगा, तो सिर्फ आएगा 1 dx और माइनस, फिर इंटीग्रेशन करेंगे 4x² + 10 बट्टा में x के पावर 4 +7x² + 12 इंटू डी एक्स। अब 1 का इंटीग्रेशन तो x हो गया, यही हम लोगों को पहला बुक में आंसर दिया है, फिर माइनस है, फिर क्या करेंगे तो 4x² + 10 और बट्टा, इसको जो है अब गुणनखंड कर लीजिए, तो गुणनखंड तो वही आएगा x² + 3 और x² + 4। अब इसको जो है सॉल्व करना है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको माथा पेची करना पड़ेगा फिर से, यानी कि एक तरीका भी हम लोगों को सही है भाग देकर। तो यही भाग वाला मेथड से अगर आप बनाइएगा तब जाके बुक में आंसर मैच कर लेगा। तो अगर जिन लोगों को बुक में आंसर मैच करना होगा तो एक वो तो सबसे पहले एक्स आ गया, अब इसको पुट करना होगा आपको 4x² + 10 बट्टा में x² + 3 x² में + 4 और इसको तोड़ना होगा ax + b बट्टा x² + 3 और cx + d बट्टा x² + 4, ठीक है। और इसको तोड़ने के बाद जो गुणांक होगा उस गुणांक को मैच कीजिएगा, मैच करके ए बी सी डी का मान निकाल लेना है और तब जाके इंटीग्रेट करना है। तो इसके बाद जैसे हम यहाँ पे किए हैं ए बी सी डी मान निकालने के बाद, वैसे ही आप इसका कीजिएगा जो बाद वाला है उसका, और ये माइनस तो हमेशा रहेगा, सबके आगे माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आंसर जो दिया है वो एक्स, इसके आगे एक्स लगा दिया है, फिर -2/√3x tan√3, और यो माइनस में दिया है 3 यहाँ, तो एक्चुअली वो आएगा ए बी सी डी का वैल्यू, तो हम लोगों को पता चल जाएगा। तो आप इसी क्वेश्चन को ना जो सेकेंड मेथड से बताए हैं
आप इस मेथड से बनाकर हमें सेंड कीजिएगा, राइट आंसर जरूर इससे मैच करेगा। यानी कि इसको दो मेथड से बना सकते हैं, दोनों ही मेथड सही है, एक भाग देकर और एक डायरेक्टली रूप से। ठीक है, तो दोनों ही तरीका सही है, आपको जो अच्छा लगता है आप उसको बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज तक इतना ही, धन्यवाद।